हिमाचल प्रदेश के सभी 27 डिपुओं में हिमाचल पथ परिवहन निगम के तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को न माने जाने पर सरकार व संबंधित विभाग के प्रति रोष प्रकट करते हुए शुक्रवार से सोलन में काले बिल्ले लगाकर कार्य करना आरंभ कर दिया है। ये कर्मचारी एक सप्ताह तक रोष प्रकट करते हुए काले बिल्ले लगाकर कार्य करेंगे। यदि फिर भी सरकार उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं करती तो आंदोलन उग्र होगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अपने हक की लड़ाई में आर पार की जंग आरंभ कर दी है। समय पर नियमित न किए जाने सहित नियमित कर्मचारियों की पदोन्नति न होने से ये कर्मचारी खफा है। इन कर्मचारियों को 2016 से 6% डीए भी नहीं मिल पाया है। इन्होंने मांग की है कि पीस मील कर्मचारियों को एक मुश्त तरीके से नियमित किया जाए, साथ ही कार्यशालाओं का सुधार होना चाहिए ताकि उन्हें कार्य करने में परेशानी न हो। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों का कहना है कि एचआरटीसी कार्यशालाओं की स्थिति दयनीय है। तकनीकी संगठन शिमला मंडल के राज्य प्रधान हुकम चंद वर्मा ने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों ने प्रदेश भर में काले बिल्ले लगाकर कार्य करना आरंभ किया है। ये कर्मचारी एक सप्ताह तक काले बिल्ले लगाकर कार्य करेंगे। यदि एक सप्ताह बाद सरकार व संबंधित विभाग उनकी मांगों को नहीं मानता है तो वे आगे की रणनीति तैयार कर उग्र आंदोलन करेंगे। मांगों को नहीं मानेंगे तो 7 दिन का आज 7 दिन के लिए काले बिल्ले लगाकर पूरे प्रदेश में इसका विरोध किया जाएगा। उसके बाद हम एक अन्य निर्णय, पूरे प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, अन्य आगे का निर्णय हम उस समय लेंगे। जो भी ड्यूज है इनको नहीं देंगे तो जो सिस्टम के मुताबिक है हम वो ऐसे आंदोलन अवश्य करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।